देखो आप लोगों ने क्रेटा 2024 का वॉक अराउंड भी देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी थी और उसके बाद आपने ड्राइव रिव्यू भी देखा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्रेटा के सबसे एंट्री लेवल वेरिएंट की जो कि है ई, और उसकी जो पेट्रोल की ऑन रोड कीमत है 12,90,000 दिल्ली में है ऑन रोड, और जो एक्सोरूम कीमत है वो है 11 लाख। और सामने हमारे है आज क्रेटा का ई वेरिएंट, जिसमें क्या क्या आपको मिलता है, अगर आप लेंगे तो सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा उस पर हम बात करेंगे। और मैं कीमत फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12,90,000 दिल्ली में, एक्स शोरूम 11 लाख, आपकी सिटी के हिसाब से वो चीज़ रहेगा। अब इसमें मिलता क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। फ्रंट डिज़ाइन लगभग आपको टॉप वेरियंट के जैसा ही मिलेगा, लेकिन इसमें DRL नहीं है। ये जो आपको लाइट दिख रही है ये है पोजिशनिंग लैम्प। इसमें जो इंडिकेटर है वो सिक्वेंशल नहीं आता है जैसे टॉप वेरियंट में आता है। हेडलाइट यूनिट अगर यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें लोअर वेरिएंट में यानी कि बेस वेरिएंट में इन्होंने प्रोजेक्टर दिया है, लेकिन ये प्रोजेक्टर हेलोजन है, लो बीम, और नीचे जो है रिफ्लेक्टर टाइप आपकी हाई बीम रहेगी। फॉग लैम्प तो इस पूरी क्रेटा में नहीं है। इधर देखिए लोगों में क्रोम फिनिश आता था टॉप ऑफ द लाइन में, लेकिन इसमें सैटिन फिनिश दिया हुआ है सिल्वर कलर का। और ये जो ग्रिल है ना वो हल्की सी ग्रे है, ये ऑल ब्लैक नहीं है पियानो फिनिश में। लेकिन अगर आप दूर से इस गाड़ी को देखेंगे ना, ये टॉप मॉडल के जैसे ही रिजेंबल करेगी, क्योंकि जहाँ पर इसकी LED आती है ना वहाँ पर इन्होंने क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है। और थोड़ा सा आगे आइए, बोनट की मैं बात कर रहा था, काफ़ी लोग पहचान गए थे लेकिन काफ़ी लोग नहीं पहचान पाए। ये बोनट इसका एंडेवर की तरह लगता है। अब साइड में आ जाइए, साइड में दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 17 इंच के व्हील मिलते थे, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उसमें 16 इंच के मिलेंगे, और साथ के साथ इसकी जो चौड़ाई है 205 mm, 16 इंच के इसमें स्टील व्हील हैं, ऊपर से आपको सिल्वर कलर का व्हील कैप मिलेगा और वो नट के द्वारा फिट किया जाता है, काफी अच्छी बात है। एक चीज गलत हो गई यार, फेंडर में इंडिकेटर दिया है जो कि दर्शाता है कि आप बेस वेरिएंट वाली गाड़ी चला रहे हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे आपको रूफ रेल मिसिंग मिलेगी, इसमें नहीं आती है बेस वेरिएंट में। अच्छी बात यह है कि जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो गाड़ी के कलर के हैं। अब थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं, आ जाइए। रियर में ना तो आपको डिफॉगर मिलेगा ना ही आपको वाइपर मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कनेक्टेड टेल लैम्प आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो कि रात में काफी अच्छी लगेगी। सादा एंड सिंपल लेफ्ट साइड में क्रेटा लिखा हुआ है, और इधर देखिए आप सेंटर में आपका रिवर्स जो है लाइट है, और आपको सिल्वर कलर का स्किड प्लेट मिलेगी, और यहाँ पर ब्लैक ट्रीटमेंट करा हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीछे सिंपल एंड सोबर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट। इधर शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलने वाला है, आपको नॉर्मल टाइप का एंटीना इधर मिलेगा। अब आपको बूट दिखाता हूँ, बूट में आपको उतना ही स्पेस मिलने वाला है, लेकिन अगर मैं यहाँ उठाऊँगा टायर साइज़ जो गाड़ी में लगा हुआ है वो सेम है, काफ़ी अच्छी बात है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर सब वूफर आता है और इधर पे थोड़ा बहुत स्पेस बचता है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेस अब ज़्यादा मिलने वाला है, और इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की। जिस सीट में मैं बैठा हूँ उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोअर वेरिएंट है तो क्या हुआ, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है तो मैं ढूंढ रहा था केबिन लाइट को, केबिन लाइट सिर्फ आपको पीछे मिलती है, इधर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। और इधर देखिए ORVM आपको मैनुअल मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि डे नाइट वाला है। डैशबोर्ड का लेआउट वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा। इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, आपको लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखें तो ये आपको वैसा ही मिलता है जैसे आपका एक्स्ट्रा में मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में कोई लेदर रैप नहीं है, आपको यहाँ पर मेन्यू मिलेगा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। वैसे ये डीजल वेरिएंट है जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 14.5 लाख है दिल्ली के अंदर, काफ़ी महंगा है ये बेस वेरिएंट। म्यूजिक सिस्टम के बाद मुझे एक चीज़ की कमी लगी, वो है ORVM को आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पैसे नहीं दे रहे हैं तो ऐसा होगा। और इधर आप देख सकते हैं इसमें AC मिलता है, वो भी मैनुअल। सिंपल से यहाँ पर कंट्रोल है, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा हजार्ड लैंप का। इधर आते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आपको बीच में एक सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का, और लेफ्ट साइड में आपको USB-C पोर्ट मिलने वाला है, और इधर वाला ब्लैंक है। और AC वेंट का जो डिज़ाइन है आपको वैसा ही मिलने वाला है बेस वेरिएंट से ही, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेस मॉडल के हिसाब से अगर यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम लग जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। सेंटर में अगर आप आएँ तो आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, वो भी स्टोरेज के साथ, और यहाँ पर कुशन भी आपको मिलने वाला है, कप होल्डर
आपको दो आगे मिल जाते हैं। सिंपल सा यहाँ पर सेंटर कंसोल है, ये मैनुअल वेरिएंट है जिसमें कि 6 गियर आते हैं। बेस मॉडल में ऑब्वियस सी बात है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा जिसमें कि 6 गियर मिलते हैं आपका, चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल क्यों ना हो। और इधर देखिए आप, रियर एसी वेंट भी यहाँ पर आपको मिलती है, और रियर एसी वेंट के नीचे आपको मोबाइल रखने की जगह और साथ के साथ 2 USB पोर्ट भी मिलते हैं। अगर मुझे बेस मॉडल लेना होता तो मैं इसमें क्या क्या खर्चा करवाता, सिर्फ 2 खर्चे करवाता। एक ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा था टच स्क्रीन वाला, और ये जो आपके ORVM के जो कंट्रोल हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कर देता। बाकी इसमें पावर विंडो तो चारों आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें, इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग आपको मिलेंगे, और साथ के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वाले जो फीचर हैं वो मिलने वाले हैं। 3-point seat belt आपको मिलने वाली है, और ISOFIX सीट भी आपको मिलेगी। अब पीछे की सीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कंफर्ट कितना मिलने वाला है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अब देखो कुछ ऐसी बातें हुई हैं, मैंने ये वाली चीज़ें तो पहली वीडियो में शूट करी थी, लेकिन हुंडई इंडिया ने कुछ गड़बड़ कर दी एम्बार्गो में और साथ के साथ अपने ओपिनियन देने में, नहीं तो आपको पता चल जाता। ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है मैनुअल गाड़ी के हिसाब से, अगर ऑटोमेटिक होती तो मैं थोड़ा सा और आगे कर सकता था। अब आता हूँ मैं पीछे, देखिए लेग रूम मुझे मिल रहा है, हेडरूम मुझे मिल रहा है, और जो सनरूफ वाली क्रेटा थी ना जिसमें पैनारोमिक सनरूफ है, उसमें इतना ज़्यादा हेडरूम नहीं मिलता है। और आप अगर लेना चाहते हैं सनरूफ वाली, अब देखिए लेग रूम तो मुझे मिल रहा है जैसे ही मैं बैठा मुझे अंदाज़ा हो गया, लेकिन थोड़ा सा हेडरूम मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ है। इधर आप देख सकते हैं लगभग टच हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी जैसी हाइट का बंदा अगर गाड़ी चला रहा हो तब मुझे दिक्कत होगी, इसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 फीट का व्यक्ति अगर गाड़ी चलाएगा तो मुझे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ। इसमें एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसकी जो सीट है रिक्लाइन भी हो जाती है। ये देखिए रिक्लाइन भी आप इसको कर सकते हैं, मेरा एंगल आप देख सकते हैं कितने मज़े से मैं बैठा हूँ, और मेरा हेडरूम भी यहाँ पर बढ़ चुका है। तो ये फैसिलिटी भी है। यहाँ पर बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल सन ब्लाइंड नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ यूनिवर्सल हुंडई में जो कि नजफगढ़ में है। काफ़ी अच्छी डील्स यहाँ पर आपको मिल सकती है। एक गाड़ी मैं यहाँ से खरीद चुका हूँ, एक गाड़ी हमारे भल्ला जी यहाँ से खरीद चुके हैं, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, वेटिंग कम से कम यहाँ पर रहती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दिया हुआ है। तो इतना सब कुछ आपको बेस वेरिएंट पे मिलता है 12,90,000 में। और उम्मीद करता हूँ आपको अगर बेस वेरिएंट लेना है तो आपको पता चल गया होगा कि इस गाड़ी में क्या क्या आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।